हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमने क्या देखा था कि कौन कौन तरीके से बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं और वायरस की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, हमें कौन कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो ये बीमारियाँ हमें कहाँ से होती है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ऑर्गेनिज़म्स कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो सारी चीज़ हमें सफाई रखनी चाहिए। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड अस, द माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवर लिव्स, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर अस द सम अदर आर द हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीजेज, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। तो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए कितने लायक भी है, मतलब कि बेनिफिशियल भी हमें देखने को मिलता है। तो कुछ अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनसे क्या होता है डिसीजेस, मतलब कि हमें बीमारी भी होती है। अब आइए हम इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। द फ्रेंडली ऑर्गेनिज़म्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर यूज फॉर अ वायरस पर्पज, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। तो आपने देखा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, बट जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो किन किन चीज़ों में हम उनका यूज़ करते हैं, तो जैसे कि दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। दे आर also used in clearing up of the environmental, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक वेस्टेज, ऑर्गेनिक वेस्टेज में आप देख सकते हो तो क्या क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, है ना, उनके छिलके हो सकते हैं, और उसके बाद में जो छोटे छोटे एनिमल्स के लिए हम देख सकते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो अपने को मिलती है। आर broken down into a harmless and usable substance by a bacteria, तो इनका जो अपघटन जीवाणु द्वारा किया वो क्या हो जाते हैं पदार्थ के लिए, मतलब कि सब्सटेंस, मतलब कि हानि रहित भी हमारे लिए बनते हैं। द रिकॉल दैट द बैक्टेरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिंस, तो क्या हो जाता है कि हम देख सकते हैं कि जीवाणु के उपयोग के लिए किसका, हम मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हाँ हमारे लिए मेडिसिन भी यूजफुल है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो जो कृषि में जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें क्या करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, तो जिसके अंदर नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, फिक्सिंग हो जाता है, मतलब कि स्थितिकरण किया जाता है। तो चलिए, आपको ये यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। चलिए, अब हमें बताया है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, मतलब कि दही और ब्रेड का बनाना, ब्रेड को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपने देखा, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू अ कर्ड बाय अ बैक्टीरिया, तो आप जानते हो कि आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था कि जो जीवाणु होते वो दूध के सहित में हम क्या कर देते हैं, उसको दही बना देते। तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे आपकी मदर किस तरीके से दही जमाती है। कर्ड contains several microorganism of this the bacterium lactobacillus the promotes the formation of curd, तो क्या होता है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसे हम lactobacillus के नाम से जानते हैं, तो दही को क्या कर देता है, जो दूध होता है उसको दही में चेंज कर देता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क आर कन्वर्टेड इट इंटू अ कर्ड, तो क्या हो जाता है, वो दही में बदल जाता है। बैक्टेरियम आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन द मेकिंग ऑफ अ चीज पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, तो जो भी होता है इन्वॉल्विंग द बैक्टेरियम्स होते हैं उन, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं,
चीज़ पे देखने को, पनीर अचार पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमें द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इटलीज एंड अ भटूराज इज कर्ड। तो देखिए आप क्या देख सकते हो, रवा, सूजी, इडली, भटूरे क्या हो जाते हैं, दही से बनते हैं, एक महत्वपूर्ण गठन होता है। कैन यू गेसेस व्हाई बैक्टीरियम आर ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर, क्या हो जाता है, आप देख सकते हो कि जो जीवाणु होते हैं, आप अनुमान लगा सकते हो कि ईस्ट होता है, जो ईस्ट में हम क्या करते हैं, बैक्टीरियम देखने को मिलता है, तो आटे के जो छोटे छोटे कणवीन होते हैं उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जिससे हम इडली डोसा का क्या बनाते हैं, बैटर तैयार करते हैं। इस तरीके से उसका बैटर तैयार होता है। चलिए हमने यहाँ तक देखा, अब आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।